हम गुरु वैष्णव के अनुगत्य में यहाँ पर उपस्थित होके साक्षात महाराज जी यहाँ पर आए हैं। कितने साल कि, क्या कोरोना के चक्कर में तो यहाँ पे काफी समय से भागवत हुई नहीं। मुझे याद है लास्ट समय हम जब यहाँ आए थे रथ यात्रा हुई थी, बहुत सुंदर रूप में भागवत हुई थी। और जब भागवत हुई थी उस समय पर गुरुदेव सबके हृदय में एक वृक्ष रोपण करके गए थे, एक भक्ति रूपी बीज का रोपण करके गए थे। बीच बीच में जो माली होता है ना, माली को चिंता होती है अपने बगीचे की, तो इसीलिए क्या हुआ, महाराज जी ने सोचा कि सब सबके हृदय में जो भक्ति रूपी वृक्ष को रोपण करके आए थे, जो बीज रोपण करके आए थे, उसका कितना सिंचन हो रहा है, वो कितना बड़ा, कितनों के मुरझा गए, क्या हुआ, एक बार जाकर देख कर आए। तो इसी उद्देश्य से आज फिर श्रील महाराज जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। देखो जब गर्गाचार्य जी श्री कृष्ण का नामकरण करने के लिए मथुरा से आते हैं नंद भवन में, तब उनको देखकर नंद बाबा बड़े प्रसन्न होते हैं। जब साधु लोग घर में आए ना, तो जिस तरह से आप लोग महाराज जी की आरती कर रहे थे, जिस तरह से उनको पुष्पांजलि दे रहे थे, नियम यही है। और ये अभी से नहीं, सब समय से यही नियम चलता है क्या, कि यदि कोई संत घर में आए तो उनका किस प्रकार उनकी अभ्यर्थना करनी चाहिए। नंद महाराज जी गर्गाचार्य के आने पर बड़े प्रसन्न हुए और उनके आने पर कह रहे हैं, महद विचल नाम नृणाम गृहिणाम दीन चेत सब निश्रेष्ठाय। क्या कह रहे हैं कि जब महंत लोग घर में आते हैं, जब आपके जैसे महापुरुष, जब संत लोग यदि किसी के घर में आ रहे हैं, तो किसी उनके पास कुछ अभाव है इसीलिए नहीं आते। उनके आश्रम में खाने का अभाव था या आपसे कुछ भिक्षा याचन करने के लिए, इस उद्देश्य से नहीं आ रहे हैं। किस लिए आ रहे हैं कि महंत स्वभाव यही तारीते पामर, कि जो पतित लोग हैं, जो गृहस्थ जीवन में घर गृहस्थी को ही सपना सर्वस्व मान के और इसी में रचे पचे हुए हैं, इसी में रमे हुए हैं, उन लोगों का वहां से उद्धार करके और उनको भगवत भजन का उपदेश देने के लिए महंत लोग अब घर से घर भ्रमण करते हैं। आप देखो, आप तो यही आलीगांव में ही रहे थे, महाराज जी का शेड्यूल आप देखोगे, अगर गुरुदेव सुबह दोपहर शाम तीनों समय प्रोग्राम प्रोग्राम प्रोग्राम। कोरोना के चलते भागवत कथा थी, भागवत कथा तो कैंसिल हो गई, तो महाराज ने कहा नहीं, हम फिर भी सबके घर घर में जाकर प्रोग्राम करेंगे। किस उद्देश्य से, ये उनका स्वभाव है। जैसे किसी का लड़ाकू कोई किसी से बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करता है, तो हम क्या बोलते हैं, इसका स्वभाव ही बहुत लड़ाकू है, सबसे लड़ाई झगड़ा करता रहता है। ऐसे ही उनका हृदय करुणा से इतना भरा हुआ है कि उनको चिंता होती है कि हम एक समय पर वहां गए थे, सब भक्तों ने हरिनाम लिया था, सब भक्त ने कंठी तिलक लिए थे हमसे, अभी वो क्या कर रहे हैं, जाकर एक बार देख कर आए। तो इसी उद्देश्य से क्या करते हैं महापुरुष, घर घर में भ्रमण करते हैं जीवों के कल्याण के उद्देश्य से। तो अभी यहाँ प्रश्न उठता है कि ये गुरु जब जैसे से रामायण के अंदर ही प्रसंग आया है, जब भगवान राम अभी कहाँ गए हैं, जनकपुरी में, जब उन्होंने सब असुरों का वध कर दिया, उसके बाद में अपने गुरुदेव विश्वामित्र के साथ में गए हैं जनकपुर में। अभी जब भगवान राम का विवाह होगा सीता जी के साथ में, उससे पहले भगवान राम को और लक्ष्मण को गुरुदेव ने आदेश दिया कि हम पूजा करेंगे, तुम जाकर क्या करो, बगीचे में से जाकर पुष्प चयन करके ले आओ। तो जब ये दोनों पुष्प चयन करने के लिए गए हैं, उस समय पर भगवान राम को तो अब गुरुदेव ने आदेश दिया पुष्प लेने के लिए, वो बड़े सुंदर सुंदर खिले खिले पुष्प जो है उनको चयन करके और गुरुदेव की सेवा करने के लिए उन्हें पुष्प चयन कर रहे हैं। अभी वहां पर जो अध कचरे और अध खिले हुए फूल थे, जो कलियां थी, वो मनी मन विचार कर रही हैं कि भगवान राम तो गुरुदेव के आदेश से पुष्प चयन करने के लिए आए हैं, सब खिले खिले फूल ले रहे हैं, लेकिन हमारा कितना दुर्भाग्य है, अगर हम भी आज खिली हुई होती तो हम भी भगवान राम स्वयं अपने हाथों से हमें चयन करते और हम भी भगवान की सेवा में लग जाते। तभी यहाँ पर लक्ष्मण जी कौन है, अखंड गुरु तत्व है, लक्ष्मण जी गुरु जी हैं। तो लक्ष्मण जी यहाँ पर विचार कर रहे हैं कि जो लोग जो ये कलियां हैं, ये अध कचरी अध खिली हुई जो कलियां हैं, इनको भी क्या करना पड़ेगा, सेवा में लगाना पड़ेगा। तभी लक्ष्मण जी ने यहाँ पर क्या किया है, उन अध कचरी खलियों को चुनते हैं। लक्ष्मण जी उन सब अध खिले फूलों का चयन करते करते उन्होंने बहुत सुंदर रूप में एक माला बनाई और माला बनाकर उन्होंने भगवान राम के गले में पहना दिए। अभी देखो यहाँ पर जो खिले खिले फूल थे, वो खिले खिले फूल तो भगवान राम के हाथ में है, भगवान राम को लेकर जाएंगे अपने गुरु जी के पास में, गुरु जी बाद में उनको अड़चन में लगाएंगे, उनकी सेवा होगी। लेकिन यहाँ पर लक्ष्मण जी क्योंकि वे गुरु है, अभिन्न गुरु है, इसलिए उन्होंने क्या किया, जो अयोग्य थे, जो अध खिले फूल थे, उनको भी भगवान राम की सेवा में लगा दिया। गुरु का यही कार्य है, हम जैसे अयोग्य व्यक्ति, हम लोग भी क्या है, वैसे हमारे अंदर भी काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य भरा पड़ा है, हम भी अभी ठाकुर जी की सेवा के योग्य नहीं है। लेकिन गुरुदेव, लेकिन संत लोग क्या करते हैं, ऐसे ही लोगों के घर में जा जाकर क्या कहते हैं,
कि तुमसे मुझे मुझे तुमसे कुछ भिक्षा नहीं चाहिए, तुम्हारे पास मैं कुछ धन लेने के लिए, तुम्हारे पास तुम्हारा अन्न लेने के लिए, कुछ लेने के लिए मैं नहीं आया हूँ। तुम क्या करो, तुम लोग मुझे अपना मन दे दो, तुम मुझे अपना मन दे दो। और हमारा मन भी कैसा है, पवित्र नहीं है, हमारा मन भी कुमन है, हमारा मन भी कुमन है, क्योंकि इसके अंदर सारी गंदगी देखो मन के अंदर है। ये मन ही, कपिल देव अपनी माँ को बोलते हैं कि ये मन ही मनुष्य का मोक्ष का और बंधन का कारण है। ये मन से देखो, अगर इस मन को कहो थोड़ी देर ठाकुर का भजन कर, 17 बहाने मारता है, गुरुदेव से हरिनाम लिया है, कभी इसको बोलो बोले एक जगह स्थान पर बैठकर हरिनाम करो, भगवान के ग्रंथ अध्ययन करो, लेकिन मन सहज में गंदी चीज में जाता है, सहज में गंदी चीज में जाता है। इसलिए बता रहे हैं यहाँ पर हमारा मन क्या है, हमारा मन कलुषित है, हमारा मन कुमन है, लेकिन इसी कुमन को क्या कर रहे हैं, भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। कौन? गुरुदेव। हमारे इस कुमन को ले करके और उसको अच्छे तरीके से साफ करके उसको सुमन बना देंगे। सुमन के दो अर्थ बताएं, सुमन का अर्थात सुंदर मन, या फिर सुमन का अर्थात कह दो पुष्प, है ना। तो क्या करते हैं गुरुवर्ग, हमारे इस मन को लेकर जिसके अंदर इतने सारे कलुषित है, जो बिल्कुल अयोग्य है, उस अयोग्य मन को लेकर के और उसको साफ करके और भगवान के चरणों में, उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं। इसीलिए क्या संत लोग घर घर में जाकर यहाँ पर भ्रमण करते हैं। तो लक्ष्मण जी ने भी यहाँ पर यही किया। अभी जो सारे खिले खिले फूल हैं वो तो भगवान राम के हाथ में ही है, लेकिन लक्ष्मण जी ने उन अध खिले फूलों को चयन करके और भगवान की सेवा में साक्षात लगा दिया है। इसलिए जीव मात्र का कर्तव्य क्या है, ऐसे ही अभिन्न अनंत से अभिन्न ये लक्ष्मण जी, साक्षात अभिन्न गुरुदेव नित्यानंद प्रभु, और वो ही हमारे सारे गुरु परंपरा है। तो उनके चरण आश्रय लेते हुए, उनसे जो हमने हरिनाम लिया, उनसे जो हमने कंठी ली, उसको नियमित रूप से हरिनाम को नियमित रूप से जप करना, यही हमारा कर्तव्य है। हम क्या करेंगे, हमारा सर्वस्व गुरुदेव के चरणों में समर्पित करके और उन्हीं से प्रार्थना कर सकते हैं कि वो हमको ठाकुर जी की सेवा में नियुक्त करें। क्योंकि देखो हम सब क्या चाहते हैं, हम सब प्रसन्न रहना चाहते हैं। कोई दुख को आमंत्रित करता है, कौन यहाँ पर जिसको दुख चाहिए, हाथ खड़ा करो। सभी लोग सुखी रहना चाहते हैं, है कि नहीं। लेकिन सुखी कैसे होंगे, सुखी होंगे हम एकमात्र भगवान के भजन से, सुखी हम होंगे भगवान का भजन करने से। अगर किसी के कोई भजन नहीं कर रहा है तो कभी सुखी नहीं रह सकता। गोस्वामी जी कहते हैं, गोस्वामी जी ने अनेक अनेक उदाहरण दिए, गोस्वामी जी कहते हैं कि कछुए के पीठ पर बाल उग जाए ये असंभव है। कछुए के पीठ पर किसी ने बाल देखा है, असंभव है, कितनी पत्थर जैसी पीठ होती है उसकी, उस पर यदि बाल उग जाए, यद्यपि ये असंभव है, लेकिन कोई यदि कहेगा कछुए की पीठ पर बाल उग गया, मैं मान लूंगा। कोई बोलता है कि मैंने रेत ली, रेत को पीस के और मैंने तेल निकाल दिया, रेत को पीसने से तेल निकलेगा, नहीं निकलेगा, असंभव है। गोस्वामी जी कहते हैं कि यदि कोई कहता है कि मैंने रेत को पीस के तेल निकाल लिया, असंभव है, लेकिन फिर भी मैं मान लूंगा। कोई कहता है कि आसमान में फूल खिल गए, आकाश में कभी फूल खिल सकते हैं, असंभव है, गोस्वामी जी कहते हैं मैं मान लूंगा। कोई कहता है यदि बांझ को पुत्र हो गया, बांझ स्त्री को पुत्र हो गया, बोले मैं मान लूंगा। कोई कहता है मैंने पानी कम किया, पानी का मंथन करके और मैंने मक्खन निकाल लिया, संभव नहीं है ना, बिल्कुल असंभव है। गोस्वामी जी ऐसे अनेक अनेक उदाहरण देते हैं कि ये अगर कोई ये असंभव वस्तुओं को भी बोले कि मैंने कर लिया या मैंने ऐसा देखा है, गोस्वामी जी कहते हैं मैं मान लूंगा। लेकिन यदि कोई कहे कि हम हरि भजन करे बिना सुखी हैं, गोस्वामी कहते हैं मैं कभी नहीं मान सकता, मैं बिल्कुल नहीं मान सकता। इसलिए यदि सुखी रहना चाहते हो तो क्या करो, भगवान का भजन निश्चय करना ही पड़ेगा। क्योंकि भगवान को हम कहते हैं ना सच्चिदानंद रूपाय, सत चित और आनंद, आनंद अर्थात सुख। तो इस सुख का स्वरूप, सुख का स्रोत कौन है, भगवान है। भगवान से ही हमें आनंद की प्राप्ति हो सकती है। यदि उनका भजन ही नहीं किया तो फिर कैसे आनंद की प्राप्ति होगी, कैसे आनंद की प्राप्ति होगी। इसीलिए क्या करना पड़ेगा, भगवान का भजन करना पड़ेगा। जो हमने हरिनाम लिया है उस हरिनाम को नियमित रूप से जप करना पड़ेगा। नियमित रूप से जप करेंगे तभी जाकर क्या होगा, हम प्रसन्न रह पाएंगे। एक बार सभी हाथ उठाकर बोलो, बोला हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा, सभी जोर से बोलो हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। बोलो
ब्रज वृंदावन बिहारी लाल की। आज के आनंद की जय। हमारे हमारे प्रभु जी अभी आपको भजन सुनाएंगे। तुम जानते हो कौन कौन तो जानते हो? हाथ उठाओ तो जानते हो कहाँ से देखा। जय जय श्री राधे, श्री राधे राधे राधे, जय जय श्री राधे 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 श्री राधे। वरणो राधे विपुल गुण रस कन्हिये प्रकाश। बोलिए गुरु जी महाराज की जय। बैज समुद्र मथुरा कमल वृंदावन मकुरंद जीवनता सब कोष है माधोपुर गोकुल चंद। ऐसे नहीं हम चाहनहार जो आज तुम्हें कल और को चाहे आंख निकार के दो जो और की ओर लखें ओ लखा में लाख मिले तुम सौ बढ़ करे तुम ही को चाहे तुम ही को सराहे। I'm
I'm gonna go get some money.
Oh,
कभी चाहते हो ना जो छोटे माई वाले जाती हो वो छोटे माई से लाओ जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोले श्री गुरु जी महाराज की बोले प्रभुपाद की आली गाँव के भक्त वृंद की जय जय श्री राधे। आज हम लोगों का बहुत बढ़िया दिन है क्योंकि आज भक्त लोग घर में आए, घर में भगवान की कथा और भगवान की सत्संग हो रही है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कहते जगत में प्रभु जी पानी पानी थोड़ी देर बाद मिले आने, इन लोगों को देना जल्दी जल्दी, हाँ फटाफट पानी ले लो, पानी पी लो फटाफट ले लो, उनको सामने रख दो जो प्यास लग गया पी ले। हरे कृष्ण। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, संत समागम हरि कथा तुलसी तुलसी दुर्लभ, वही वाला हेड पुलिस में लगा दो, वो नहीं लगेगा, लगा चेक किया उसमें। हरे हरे कृष्ण। आवाज आ रही है पीछे तक आ रही है? हाँ। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कहते संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय सूत तारा और बीता ये पापी को भी हो। वो कहते जगत में कहते दो चीज बड़े किस्मत वालों को मिलता है। बोले दो चीज क्या है? कहते एक तो संतों का समागम, संतों का दर्शन, और दूसरा जो चीज है कहते भगवान की कथा है। कहते जगत में ये दो चीज बड़े किस्मत वालों को मिलता है, लेकिन सूत तारा और बीता मतलब रुपया पैसा धन दौलत, कहते एक पापी को पास में भी ये चीज हुआ करता है। बताओ रावणों के पास में क्या नहीं था? सोने की लंका थी, मंदोदरी जैसे पत्नी, मंदोदरी नाम सुने कि नहीं? वो इतने सुंदरी थी मंदोदरी, जब हनुमान जी माता सीता को ढूंढने के लिए पहुंचे उन्होंने मंदोदरी को देख करके मुग्ध हो गए, बोले यही तो माँ सीता नहीं है? मतलब इतने सुंदरी थी, और कितने बेटे थे? बोले 1,00,000 बेटे और मेघनाथ जैसे बेटा और 1,25,00,000 नाती, इतना उसको पास में था। लेकिन किस चीज की कमी थी? बोले संतों का संग और जो भगवान की जो कथा है। कभी ये चीज जगत में बड़ी दुर्लभ चीज है, हैं? ए बात मत कर। हरे कृष्ण। हाँ देखो एक समय श्री नारद जी भगवान को पास में पहुंचे, बोले ठाकुर जी हमने सुना सत्संग की बड़ी महिमा है। बोले हाँ। कहते बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना। जब तक जीवन में सत्संग नहीं हो तब तक जीव को ज्ञान नहीं होता है, और जब तक ठाकुर का कृपा नहीं हो तब तक सत्संग भी नहीं मिलते। बोले बड़ी महिमा। बोले थोड़ी मेरे को सत्संग की महिमा बताओगे? बोले भैया सत्संग तो इतने महिमा है, बोले तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक, मतलब जैसे एक तराजू, तराजू का तरफ में कहते हैं तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। इसका मतलब है ये जगत में जितने आनंद है ना, जगत में कितना आनंद आपको पता हो? ये जगत में जितने आनंद स्वर्ग लोक में उससे 100 गुना आनंद है। कहते स्वर्ग लोक में जितना आनंद है वो मोह लोक में उससे 100 गुना आनंद है। मोह लोक में जितना आनंद उसमें तप लोक में उससे 100 गुना, तप लोक के जितना आनंद सत्य लोक में उससे 100 गुना। लेकिन कहते जो मुक्ति में जो आनंद कहते जो सोच भी नहीं सकते हो इतने आनंद। कहते एक तराजू को लेकर के कहते इसी मरते जगत से लेकर के मुक्ति लोक को जो आनंद है, तराजू का एक तरफ में धर दो, तराजू के एक तरफ में धर दो,
लेकिन इस तराजू के दूसरे तरफ में साधु संघ का जो सुख है, कितने साधु संघ की इतने आनंद, साधु संघ का थोड़ी सी सुख को तराजू का दूसरे तरफ में धर दो ना, कहते सारे आनंद हल्का होकर ऊपर उठ जाएगा और साधु संघ का जो महिमा नीचे हो जाएगा, मतलब ज्यादा भारी है साधु संघ। बोले थोड़ी सी साधु संघ की महिमा मेरे को बता दो। कौन पूछ रहा है? अरे बोलो कौन पूछ रहा है? भगवान सब पूछ जाते। नारद जी ठाकुर जी से, भगवान कृष्ण से पूछ रहे हैं, आप थोड़ी सी हमें साधु संघ की महिमा बताओ। बोले देखो देखो कथा को ना सब याद रखनी चाहिए, ठीक है ना? जैसे हमारे सरिता दीदी सब जगह में कथा करते ना, कितने गोपियों को उन्होंने प्रभु का भजने में लगाया, इसलिए हम चाहते हैं हम लोग एक एक सरिता दीदी बन जाओ, है सबको भगवान की कथा सुना, ठीक है ना? देखो महाप्रभु का यही भविष्यवाणी था। जानते हो महाप्रभु क्या बोले? महाप्रभु कहते थे एक दिन ऐसा आएगा सर्वत्र भगवान की भक्ति भक्ति हो जाएगा, सबके लोग सब खुश होकर के गले में कंठी तिलक लगा करके सबके सब वृंदावन बिहारी लाल की। महाप्रभु भगवान यही बोले एक दिन ऐसा आएगा सर्वत्र भगवान की भक्ति। जैसे आली गाँव देखो, आली मतलब गोपी होती है ना, सचमुच से धीरे धीरे आली गाँव धीरे धीरे सब गोपियों के गाँव होते जा रहे हैं। गोपियों की एक बार तो यहाँ कथा हुई ना, एक बार कथा से ही कितनी गोपियां बन गई यहाँ पर है। इसलिए अगर ये करुणा नहीं आता तो मुझे लगता है पूरा तुम्हारा आली गाँव सखी सखी से बन जाता। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इतने में श्री भगवान ने कहा सत्संग की महिमा देखना चाहते हो? बोला हाँ। बोले एक काम करो, ये कथा को सब याद कर लेना, ठीक है ना? तुम्हारे 800 बड़ी शौकों की कथा सुनाना। बोले देखो वहां पर एक गिरगिट है, वो गिरगिट को पास में जाओ जंगल में, वो तुमको सत्संग की महिमा बताएगा। बोले भैया क्या? बोले बोले जाकर पूछो ना उसको, बोलेगा। वो गया सचमुच से देखा जंगल में एक गिरगिट है, तो उसने बोले भैया ठाकुर जी तेरे पास में भेजे ये सत्संग की महिमा बताने के लिए। अब गिरगिट देखे हो? कौन कौन देखे हो? सब देखे हो, देखना वो सर पे ऐसे ऐसे हिलाता है, हिलाता रहता है। तो उसको पूछा भैया ठाकुर ने तेरे पास में भेज दिया साधु संघ की महिमा सत्संग की महिमा बताने के लिए, बताओ तू बताओ। तो उनने सर हिलाया, बोले बताओ ना सर क्या हिलाते हो? ठाकुर जी तेरे पास में दो तीन बार पूछते ही ना वो गिरगिट वहीं पर मर कर गिर गया, वो अपना शरीर छोड़ दिया। बोले भैया ये सत्संग की महिमा क्या बताएगी, तो मर ही गया। वापस आए, बोले ठाकुर जी आप इसको पास में भेजिए सत्संग की महिमा बताओ बताने के लिए, वो गिरगिट को दो तीन बार पूछते ही वहीं पर लुढ़क गया, वो तो मर गया। बोले ठीक है कोई चिंता मत कर, जाओ जंगल के अमुक स्थान पर जाओ, वहां पर एक तोता देखोगे, वो तोता तेरे को बताएगा। बोले तोता क्या बताएगा? उसे चिड़िया। बोले जाकर पूछो उसको। वो गया देखा सचमुच से तोता है, हैं तोता देखे कि नहीं तुम लोगों ने? तो तोता देखे, बोले ठाकुर जी तेरे पास में भेजे सत्संग की महिमा बताने के लिए बताओ, एक दो बार पूछते ही ना वो तोता भी वहीं पर मर के गिर पड़ा। हे भगवान हम क्या, ठाकुर कहाँ कहाँ भेज रहे हैं, दो दो प्राणी हमसे हत्या हो गई। वापस आए, बोले ठाकुर जी कहाँ भेज रहे हो, और जिसको पूछता हूँ वही मर जाता है, आप ही बता दो। बोले और एक काम करो। बोले क्या? बोले वहां पर गैया ने एक बछड़ा जन्म दिया, वो बछड़ा बोलेगा। बोले बछड़ा क्या बोलेगा? बोले जा करके पूछो। मुझे वहां जब गया देखा गैया ने एक बछड़ा जन्म दिया, तो उन्होंने जा करके बछड़े से पूछे ठाकुर जी तुम्हारे पास में सत्संग की महिमा को बताने के लिए भेजा, भैया बताओ। दो तीन बार पूछते ही ना बछड़ा भी खत्म हो गया। बोले भगवान ये सब क्या हो रहा है, ठाकुर जी मेरे से तीन तीन प्राणी मरवा डाले। फिर वापस आए, बोले ठाकुर जी हमसे ये प्राणियों को क्यों मरवा रहे हो, जिसको पूछता हूँ वही मर जाता है। बोले देखो अंतिम बार एक काम करो अंतिम। बोले क्या है? बोले देखो वहां पर तुम जाकर के देखोगे एक राजा का बेटा जन्म हुआ है, ये राजा का बेटा तुम्हें बताएगा। बोले हे भगवान तीन तीन तो मर गए, अगर राजा का बेटा अगर मर गया ना सीधा राजा जेल में बंद कर देगा। बोले लास्ट ही तुम लास्ट बार जाओ, सचमुच से जा करके देखा राजा का बेटा जन्म हुआ। जब बेटा है तो उन्होंने जाकर के पूछा भैया ठाकुर जी तेरे पास में भेजे साधु संघ की महिमा सत्संग की महिमा को बताने के लिए।
भैया तू दे, जब दो तीन बार बताए ना बच्चा तो रोना शुरू कर दिया। नारद इसका इसका भी हो गया, इसका भी राम नाम सत्य से याद हो गया है, ये रोना शुरू कर दिया। अगर ये बच्चा मर जाएगा तो राजा तो सीधा मेरे को जल में मत कर देगा। ओ राजा, नारद जी वहां से भागे, जब भागे इतने में, लेकिन वो क्या हुआ था, वो बच्चा जन्म से ही रोया नहीं। अब देखना बच्चा जन्म होते रोता है ना, बच्चे जन्म दिए कि नहीं, अगर वो बच्चा नहीं रोता है ना, अब देखना उसको थप्पड़ मार मार कर बच्चे को रुलवा दे। अगर बच्चा अगर नहीं रोएगा ना परिवार रोता है, मतलब क्या है, जो बच्चा जन्म से नहीं रोता मतलब वो गूंगा है, वो बच्चा गूंगा बच्चा है, लेकिन वो जन्म से ही था गूंगा। लेकिन जब नारद जी को गए वहां पर, केवल नारद जी का दर्शन होते ही उसका गूंगापन खत्म हो गया, रोना शुरू कर दिया। जो रोना शुरू कर दिया इतने में वहां पर जो दासियां थी ना, भागते भागते राजा के पास में गई, बोले महाराज तेरे तो बच्चा गूंगा था ना जन्म से, अभी उसने रोना शुरू कर दिया, मतलब उसका गूंगापन खत्म हो गया, उसको मुंह खोल गया। बोले कैसे हुआ, बोले पता नहीं एक संत आए थे, वो संत को दर्शन मात्र से ही वो बच्चा रोना शुरू कर दिया, बोले संतों का कृपा है। बोले वो संत बाबा गए कहां, वो तो बोले भाग के, बोले उसको बुला कर खिलाओ, जल्दी बुला कर खिलाओ। इतने में नारद जी को पीछे भागे, बोले बाबा रुको, और रुकेंगे क्या, बोले हो गया, लगता है बच्चा मर गया होगा, राजा अभी जेल में बंद कर देगा, वो तो भाग रहे। बोले भागना नहीं बाबा, रुको रुको, बड़े कष्ट से रुकवाया। बोले क्या बात है, बोले राजा आपको याद कर रहे। बोले क्यों, बोले पता नहीं, अब चलो। जब आए तब उन्होंने, जो राजा था वो नारद जी के चरण में गिर पड़े, बोले बाबा आपकी बड़ी कृपा हुई है। बोले क्या है, बोले जो बच्चा है ना वो जन्म से ही गूंगा था, लेकिन आपको दर्शन मात्र से ही उसका गूंगापन खत्म हो गया, बच्चा बोलना शुरू कर दिया आपके आशीर्वाद से। इतने में राजा ने, जो नारद जी थे वो छोटे बच्चे को पूछे, वो जो बच्चा जन्म लिया ना, देखो बच्चा बात करता है, बोले नारद जी ठाकुर जी तुमको भेजा था ना सत्संग की महिमा को जानने के लिए, बोले हाँ, बोले सुन लो, पहले में गिरगिट था, पहले में गिरगिट था, लेकिन आपको ठाकुर ने भेजा है ना, लेकिन जब केवल आपको दर्शन कर लिया, कहते दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारे को, कहते संतों की इतने महिमा, संतों की इतने महिमा, जैसे सूरज उदय होने पर पूरा आकाश एकदम साफ हो जाता है, उसी तरह संत दर्शन मात्र से ही हमारा हृदय निर्मल हो जाता है, हृदय हमारी निर्मल पवित्र हो जाता है संत दर्शन से, केवल दर्शन से ही। कहते गंगा में जाकर के नहाओगे तभी पवित्र बनोगे, लेकिन संतों के केवल दर्शन मात्र से ही कहते हृदय पवित्र हो जाता है, केवल संत दर्शन की इतने महिमा। कहते भगवान का दर्शन से भी संतो दर्शन का ज्यादा महत्व बताया, जैसे तुम्हारी घर में तो ठाकुर है ना, गोपाल तुम्हारे साथ में कोई बात किया है, ठाकुर जी कहते हैं मेरे को ऐसे कपड़ा पहना, ठाकुर जी कहते हैं मेरे को भोग लगा, ठाकुर जी कभी तुमसे बोला मेरे नाम जप करो, ठाकुर जी कभी बोला मेरे तिलक कंठी लगा, ठाकुर जी बोले कभी, कौन बोलते हैं, संत बोलते हैं, कौन बोलते हैं, संत। इसलिए भगवान कहते हैं जब मैं किसी जीव को बड़े कृपा करता हूँ वो संत रूप में ही आता हूँ, जो संतों का दर्शन हो जाए क्या समझो, बड़ा पार, बड़ा पार है। इसलिए जब से विभीषण को साथ में हनुमान का जब मिलन हुआ, जब विभीषण को पता चला हनुमान जी कौन है, बोले राम के सबसे प्यारे भक्त है, तो विभीषण इतने खुश हो गए, बोले आज मैं भाव भरसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा बिना मिले ही नहीं संता, जो रघुबीर मोय अनुग्रह किनी तो मई दरस ऐठ दिनी। लगता है आज मेरे ऊपर में प्रभु राम की कोई कृपा हो गया, लगता है रघुवीर प्रभु राम की कोई कृपा हो गया। मैं कभी भी नहीं सोच सकता था ये रावण लंका, लंका में कौन है, सबके सब राक्षस है, इंसान का ना जैसे नाश्ता करते ना सब खा जाते हैं, इसे चार ही तरफ पे राक्षस राक्षस गिरे पड़े थे, और उसको बीच में मैं बैठा हुआ हूँ, और राक्षसों का बीच में फिर भगवान के प्यारे भक्त हनुमान, ये दर्शन में कभी सोच नहीं सकता था हनुमान का कभी दर्शन हो जाए राक्षसों के बीच में,
लगता है आज मेरे ऊपर में ठाकुर का कोई कृपा हो गया है, आज हनुमान जी का मेरे को दर्शन मिल गया। मतलब हनुमान का दर्शन मिल गया मतलब है ठाकुर जी मिलने में कोई देर नहीं, ठाकुर हमें जल्दी जल्दी ठाकुर जी हमें मिलने वाले हैं। तब विभीषण को राम मिले कि नहीं? राम मिल गए विभीषण को, राम मिल गए कि नहीं? मिल गए उनको राम मिल गए। इसलिए जब विभीषण को साथ में हनुमान का भेंट हुआ ना, तब हनुमान ने पूछा मैं तो माता सीता को ढूंढने के लिए आया हूँ। विभीषण ने कहा देख तू मेरे एक काम कर ले, मैं तेरे एक काम कर लूंगा। तब हनुमान जी पूछे बोलो क्या काम? बोले मेरे पास में माँ है, तेरे पास में बाप है। मेरे पास में माँ है मतलब जानकी अशोक वाटिका, और तेरे पास में बाप है बोले तेरे पास में राम है। जब बाप और माँ पिता माता के मिलन हो तब तो पूरा काम होगा ना, इसलिए मैं तेरे को माँ से मिलाता हूँ, तो मेरे को अपना बाप से मिला देना। बोले ठीक है, बोले जा ये अशोक वाटिका में माता सीता जी, जब सीता जी को दर्शन हो गया। बोले लेकिन तेरा एक काम रह गया। बोले क्या काम रह गया? अभी बाप से हमें मिला देना, राम से हमें मिला देना। लेकिन हनुमान सचमुच से क्या किया? विभीषण को उन्होंने प्रभु राम से मिला दिया। बस बाप माँ मिल गए तो हो गया सारे काम है, सारे काम हो गए। बोले शिष्या बर रामचंद्र की, जोर से बोलो प्रसिष्यावर रामचंद्र की। इसलिए वो राजकुमार कह रहा है बोले नारद जी पहले मैं गिरगिट था, लेकिन जब तुम्हारा दर्शन हो गया ना मेरे सारे पाप खत्म हो गए। पाप खत्म होते ही मैंने ये गिरगिट शरीर से मेरे को मुक्ति मिल गई, दूसरे जीवन में मैं तोता बन गिर आया। बोले गिरगिट से तोता जीवन थोड़ा ऊंचा है, लेकिन फिर जब तेरा दर्शन हो गया ये तोता का शरीर भी छूट गया, फिर मैंने बछड़ा बनकर आया। कितना गैया का शरीर में 33 करोड़ देवता जो गैया की जो एक एक जो बाल है केस है वो एक एक केस नहीं कहते केस रूप में उसमें एक एक देवता का निवास है। उनका जो पेशाब और पायखाना में कौन है? लक्ष्मी सरस्वती का निवास है, इसलिए देवता कहते हैं। कहते गैया जन्म को बाद में इंसान जीवन मिलता है, ये 84 लक्ष का जोनी भ्रमण करते करते गैया जन्म को बाद में जीव को ये इंसान जीवन मिलता है। इसलिए फिर मैंने आपका दर्शन मात्र से ही तोता शरीर खत्म, फिर मैंने बछड़े बन गया। फिर आप दर्शन के लिए दिया, जब दर्शन आपको किया ना देखो बछड़ा था शरीर छूटते ही राजा घर में मैंने बेटा जन्म बन कर गया, राजा घर में मैं बेटा बन कर आया। लेकिन बेटा तो बना लेकिन जन्म से था गूंगा, जन्म से गूंगा था, लेकिन जब केवल आपका दर्शन कर लिया ना मेरे गूंगापन खत्म हो गया। फिर पहले रोना शुरू कर दिया, फिर मैंने रोना मतलब मुंह मेरा खुल गया। इसलिए तुम ठाकुर जी को पूछा था ना संत दर्शन की महिमा क्या, तुमने ठाकुर के पास में गया ना, संत दर्शन की यही महिमा है। संत दर्शन करते ही हमारे सारे पाप खत्म हो जाती है और जीवन में हमारी पुण्य उदय हो जाती है, जीवन में पुण्य उदय हो जाते हैं। इसलिए भैया साधु संत की इतने महिमा वेद भी साधु संत की महिमा वेद भी नहीं बता सकता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जगत में दो चीज बड़े किस्मत वालों को मिलता है, क्या? संत समाज, संतों का दर्शन, और दूसरी बोले हरी कथा। हरी कथा ये बड़ा दुर्लभ है, हरी कथा की इतने दुर्लभ, सुखदेव स्वयं कहते हैं भैया स्वर्ग में जाने पर भी हमें साधु संग नहीं मिलेगा। देवताओं को कथा सुनना हो तो स्वर्ग छोड़ करके यहीं पर आते हैं, ब्रह्म लोक में भी कथा नहीं, ब्रह्मा की इच्छा होगा तो वो भी ब्रह्म लोक छोड़ कर किसी मरते जगत में आते हैं। कहते शिव लोक में भी कथा नहीं, शंकर पार्वती को जब इच्छा होता है कथा सुने वो भी कैलाश छोड़ करके आते हैं। बोले भैया भैया वैकुंठ नास्ते अमरसा, कहते वैकुंठ में भी वो आनंद नहीं, जब करुण जी को इच्छा हो कथा सुनने के लिए वो वैकुंठ छोड़कर इसी मरते जगत में आते। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं एक संतों का संग और जो हरी कथा, ये दो चीज दुर्लभ। देखो आज हमें दो चीज मिला कि नहीं, दो चीज मिल रहा कि नहीं, संतों का संग और ठाकुर जी की कथा मिल रहा है, इसलिए हम लोग बड़े भाग्यवान हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की, जय जय श्री राधे।
इसलिए और जहाँ कथा हो जिस घर में कथा हो भागवत कहता है बोले सर्वानि तीर्थानि बसंति तत्रा चता चुतादर कथा प्रसंग। सुतो गोस्वामी कर जिस घर में कथा हो जाए ना वो घर क्या है कहते पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ वही बना दो। गंगा जमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिया केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री जमुनोत्री सब उसी घर में आगे जिस घर में ठाकुर जी की कथा होती है जहाँ पर कथा होती है। इसलिए हनुमान भी वहीं पर आ जाते हैं सबसे पहले तो हनुमान जी आते हैं कहीं अगर ठाकुर कथा हो ना सबसे पहले हनुमत लाल वहीं पर आते हैं सबसे पहले उसको सबको बाद में हनुमान सबसे बाद में जाते हैं सबसे पहले आएंगे और सबको बाद से हनुमान जी जाते हैं। ये कौन कह रहे हैं बोले वाल्मीकि कहते हैं बोले जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम जहाँ पर भगवान की कथा हो तत्र तत्र वहाँ पर हनुमान जी आंख करके आंसुओं को बहाते हुए हाथ जोड़ करके गदगद हो करके भगवान की कथाओं को सुनते हैं हनुमान हैं। इसलिए ये घर भी पवित्र हम भी पवित्र सबके सब पवित्र हो गए भगवान की कथा को सुन करके। ठीक है ना भागवत का एक प्रसंग सुन लो बोले एक समय श्री नारद जी श्री द्वारका में आए। जब नारद जी द्वारका में आए वहां पर यज्ञ हो रहा था विश्व शांति महायज्ञ। लेकिन जब नारद जी आ गए ना भगवान बोले भैया और यज्ञ करने का जरूरत नहीं यज्ञ का फल संत रूप में आ गए अभी यज्ञ भज्ञ करने का जरूरत नहीं यज्ञ बंद कर दो। तब नारद जी को सिंहासन में बैठा दिया भगवान स्वयं चरण धोए उनकी आरती उतार जैसे आप लोग कर रहे थे ना ऐसे ठाकुर जी आरती उतारे ठाकुर जी की चरण में बैठी गए। तो उन्होंने बहुत उन्होंने प्रश्न किया 9 प्रश्न किया था उसमें एक प्रश्न है कहते कलयुग में भगवान कौन है कलयुग में भगवान कौन है और उनको भक्ति कैसे करनी चाहिए। देखो पहले से ही शास्त्र में बता दिया हमें कोई अलग भगवान को ढूंढने नहीं चाहिए अमुक भगवान अमुक भगवान अमुक भगवान अमुक इसके चक्कर में हम नहीं पढ़नी चाहिए। शास्त्र जो कहता है भागवत कहता है रामायण कहता है उसकी चक्कर में पढ़नी चाहिए। अब तुम सब गुजरी ना तुम लोग इसलिए तुम्हारी भगवान तो गिरिराज बाबा तुम्हारी भगवान कौन है श्री गिरिराज बाबा जी। इसलिए हमारे जो गिरिराज बाबा भगवान जो कान्हा है तुम्हारे घर में जो लड्डू गोपाल है तुम्हारे घर में यही तुम्हारी भगवान हमें इधर उधर भागनी नहीं चाहिए। जब उन्होंने पूछे कलयुग में भगवान कौन है और उनको भक्ति कैसे करनी चाहिए तब श्री नारद जी इसको उत्तर देते हैं बोले कृष्णा वर्णम तिसाम अकृष्ण सांग पाग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधस। कलयुग में जो बुद्धिमान क्या करेंगे बोले कृष्णा वर्णम कहते कलयुग का भगवान कौन है बोले जिसकी जिह्वा से कृष्ण 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 हर समय जो कृष्ण का नाम ग्रहण करेंगे। बोले उनकी शरीर का रंग कैसे होगा बोले अकृष्ण मतलब काले नहीं जो गोरे बोले कौन श्री चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग में कृष्ण स्वयं राधा रानी की प्रेम की महिमा को समझने के लिए अपना माधुर्य को आस्वादन करने के लिए कृष्ण स्वयं कलयुग में श्री सच्चिदानंद गौरव हरि बन करके आएंगे। बोले क्या वो अकेले आएंगे बोले नहीं कृष्ण अकेले थोड़ी आए राधा जी को साथ में आए ताऊ भैया को साथ में सखा गोपियों को साथ में आते हैं ना ठाकुर जी ठाकुर कभी अकेले नहीं आते। राम क्या अकेले आए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता और पांडवी सुतकृति और दशरथ महाराज कौशल्या कैकेयी सबके सब आए ना चल भगवान कभी अकेले नहीं आते वो धाम और अपना भक्तों को लेकर के आते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आएंगे और उनका अंग कौन बनेगा कहते श्री नित्यानंद प्रभु श्री अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु कौन दाव भैया स्वयं बलदेव प्रभु बोले श्री अद्वैत आचार्य कौन ये सदाशिव कहते और भी कोई आएगा ना बोले हाँ उनका भक्त भी आएंगे
उनका शक्ति गदाधर राधा रानी भी आई है, श्रीवास पंडित नारद भी आए हैं, ये सब के सब अपना भक्तों को साथ में कलयुग में आएंगे। कहते उनका भक्ति कैसे करनी चाहिए, बोले उनका कलयुग में जो भक्ति है, बोले यज्ञ संकीर्तन प्राय जजति ही सुमेधा। कलयुग में उनका भक्ति संकीर्तन रूपी यज्ञ के द्वारा, संकीर्तन रूपी यज्ञ को द्वारा उनको उपासना करनी चाहिए। इसलिए कलयुग में उनका भक्ति कैसे करनी चाहिए, जिसको गोस्वामी तुलसीदास यही बात कहते हैं। क्या कहते हैं, भले कलयुग के कलना मा आधारा, कलयुग के बलना मा आधारा, सुमीरी सुमीरी उतरई पारा, सुमीरी सुमीरी उतरई पारा, कलयुग के बलना माधारा, कलयुग के बलना माधारा। बोले कलयुग में भगवान बोले ज्यादा परिश्रम की कोई जरूरत नहीं, कलयुग में जानते हैं कलयुग का जीव ज्यादा परिश्रम नहीं कर सकते हैं, वैसे कम उम्र भी है, फिर थोड़ा उम्र हो जाए इसलिए बड़ी बुढ़िया कमर टेढ़ी हो जाती है, चलना भी दिक्कत है, इसलिए कलयुग में ज्यादा कोई परिश्रम करने का जरूरत नहीं। हाथों में काम करो और मुंह में ठाकुर का नाम, हाथों में काम और मुंह में बस बड़ा पार है। कलयुग सत्य युग में कठोर तपस्या, बिना वाल्मीकि का नाम सुने कि नहीं सुने हो, वाल्मीकि का नाम, उसका नाम वाल्मीकि का नाम उसको क्यों पड़ा, वाल्मीकि समझते हो, उसका शरीर पूरा दिमाग चाट गया, उसका शरीर में केवल हड्डी हड्डी रह गया, सारे दिमाग उसको चाट गए पूरा की पूरा है। राम राम पहले तो उसको मुंह से राम ही नहीं निकला, बोले उसको बोलो राम, बोले मुंह से नहीं निकलना है, बोले तू बोलता था मारो मारो मरा मरा तो कर सकता, बोला इतना तो कर सकता, इसलिए मरा मराम करते करते दिमाग चट गए हैं, हजार हजार साल हो गया। लेकिन कलयुग में देखो अगर एक एकादशी व्रत आती, 15 दिन में एक एकादशी आएगी, अगर एक एकादशी व्रत रख लिया ना, बोले भैया घर का, अगर अभी तो एकादशी का दिन बढ़िया बढ़िया प्रसाद खाते पकौड़ा, अभी नवदुर्गा जी की व्रत है, बढ़िया बढ़िया गर्म गर्म बाताएं, बढ़िया बढ़िया पकौड़ा दूध है, केले सेब चकाचक भोजन कर रहे हैं, इसलिए इसलिए पहले निर्जला निर्जला अगर कोई निर्जला व्रत रखे ना, निर्जला कोई व्रत रख ले भैया ये काम करो, तो बोला आज उन्होंने व्रत रखा है, आज मतलब एक दिन भी बिना खाए पिए रह ही नहीं सकते। इसलिए भगवान बोले भैया एकादशी का दिन भी बढ़िया बढ़िया पकौड़ा खाओ, आलू की सब्जी बनाओ, फ्रूट क्रीम बनाओ, बढ़िया बढ़िया खाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हरि नाम ज्यादा से ज्यादा एकादशी का दिन ज्यादा थोड़ा ठाकुर को ज्यादा थोड़ा नाम लो, ज्यादा है ठाकुर की ज्यादा नाम को ग्रहण करो। इसलिए भगवान कलयुग में सबसे सरल उपाय रखे, देखो क्या कहते हैं, बोले सुलभम भगवत नाम। देखो कलयुग में कितने आसान है, ठाकुर ये नहीं कहते देखो अगर तू मेरे नाम लोगे ना तेरे को इतना पैसा देना पड़ेगा, ठाकुर जी कहते, ठाकुर जी कहते अगर तू मेरे नाम लोगे तेरे को पैसा देना पड़ेगा, ठाकुर जी बोलते नहीं। बोले जिह्वा च बस वर्ती ना, मतलब ये जिह्वा पर जो बोलेगा ना वही करेगा, अगर बोलोगे बैठ करके चुगली करो ये चुगली करना शुरू कर देगा, उसको बहू ने ऐसे किया, उसको छोरा ने ऐसे की, उसको बेटी भाग गई, उसको अब बैठ करके ना देखा सारे गप्पे मारने लग जाती जब आता है। इसलिए बोले जिह्वा च बस वर्ती ना, मतलब जिह्वा को जैसे बोलोगे ना जिह्वा वैसे ही करेगा, बोले चुगली करना चुगली करेगा, बोले ठाकुर का नाम जप कर नाम जप करेगा ठाकुर जी। लेकिन सुलभ तथापि नरकम जानति किम आश्चर्य तपर, आश्चर्य की बात है कलयुग में तब भी जीव नरक जाते, कितने आश्चर्य बात, इतने आसानी किसी समय में पवित्र अपवित्र ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं, हर समय में मेरे नाम को तुम कर सकते हो, ठाकुर जी इतने सरल बना दिया, ठीक है ना। इसलिए क्या करना है, समय को नष्ट नहीं करते हुए समय मिले तो बहु बेटी की बात नहीं करके
माला लेकर के भगवान की जप करो, क्योंकि आप जिसकी चुगली करोगे ना, जिसकी तुम चुगली करोगे उसका सारे पाप तुम्हारे ऊपर आएगा। देखो एक छोटी सी कहानी सुन ली, छोटी सी कहानी सुनो। बोले एक समय क्या हुआ, एक राजा ने बोले ब्राह्मण को हम आज जिम्बाएंगे, उनको भोजन कराएंगे। बोले क्या? बोले खीर मालपुआ सब्जी ब्राह्मण को हम भोजन कराएंगे। उनको जब भोजन कराएंगे, एक दिन पहले उन्होंने दूध को लाकर रख दिया, लेकिन जब दूध को लाकर रख दिया, राजा के अनजान में कोई जहरीले सांप आया और वो दूध में मुंह मारकर चला गया। सांप अगर दूध में मुंह मार देगा तो क्या होगा बताओ? चेहरे। लेकिन वो राजा को पता ही नहीं चला, अनजान में सांप ने मुंह मारकर चला गया, वो दूध हो गया जहर। और उसी में उन्होंने बनाया खीर मालपुआ और सब्जी बनाए, उन्होंने बुलवाया ब्राह्मण को, उन्होंने ब्राह्मण को खिलाया। जब खिलाए ना, जितने ब्राह्मण वो खीर खाए सबके सब खत्म, राम नाम सत्य हो गया सारे ब्राह्मणों को। राजा को जब ये बात पता चला अनजान में, मेरे इतना पाप हो गया, इतने ब्राह्मणों को मैंने मरवा डाला, इतने दुखी हो गए। दुखी होकर के तब उन्हें राज्य को छोड़ करके जंगल में गए। जंगल में जा करके बोले भगवान की भजन करके पाप से मेरी मुक्ति मिल जाए। लेकिन जब उन्होंने जंगल में गया, एक ब्राह्मण ने जब जंगल में गया, इतने में आकाश से दो अप्सरी उतर करके आई। एक अप्सरी दूसरे अप्सरी से प्रश्न करती है, बोले ये बताओ ये राजा ने जो पाप कर्म किया है, लेकिन उसने अनजान में किया, उसने अनजान में, वो जान बुझ कर के पाप नहीं किया, अब बताओ इसको पाप को कौन ग्रहण करेगा? बोले वो तो चक्कर में पड़े गए। बोले कौन ग्रहण करेगा, वो तो जान बुझ कर पाप किया ही नहीं, मुंह सांप आ करके वो अनजान में मुंह मार कर चला गया दूध में, अभी वो कुछ बता नहीं पाया। लेकिन उसी दिन किया हुआ, राजा के पास बोले महाराज मेरी एक बेटी की शादी की लायक हो गई, कुछ अर्थ दे दो बेटी को, मैं शादी करा दे। पहले राजा के पास में ब्राह्मण लोग आते थे, राजा लोग मदद करते थे। राजा ने कहा देखो मैंने तो, मेरे से इतना बड़ा पाप हो गया और मैंने घर छोड़ करके जंगल में आया भजन करके ये सारे पाप से मुक्त होने के लिए, मेरे पैसा कहाँ से लाऊंगा, अब तो राज्य छोड़ करके आया। इतने में वो जो ब्राह्मण था ना, इतने गाली गलौज किया राजा को, बोले दुष्ट ढोंगी राजा, हाँ भजन करने के लिए आ गया, इतने ब्राह्मण को मरवाया, मरवा करके ढोंग बना कर ढोंगी बनाने के भजन के लिए आए, तेरे को सारे ब्राह्मण जो मर गए ना वो सारे पाप तेरे को लेना पड़ेगा। इतने गाली गलौज गद्दी गद्दी किया, इतने बुरी भाषा से हैं। जब वो ब्राह्मण गाली गलौज करके चला गया, फिर दूसरे दिन फिर स्वर्ग से तो अप्सरी फिर उतर करके आए। फिर एक अप्सरी दूसरे अप्सरी से प्रश्न करती है कि राजा का पाप कौन ग्रहण करेगा? बोले मीमांसा हो गया, सब हो गया। बोले कैसे? बोले वो जो ब्राह्मण ने आकर के उसको राजा को गाली गलौज किया है, उसको निंदा चुगली की, इसका जितने पाप था ना वो व्यक्ति के ऊपर चला गया। जिसने उसको चुगली की निंदा की उसका सारे पाप उसको ऊपर चला गया, इसलिए वो व्यक्ति फ्री हो गया पाप से। मतलब जितने सास बैठे हो, जितने बहुएं भी बैठे हो, समय मिले तो सास बहुओं को चुगली नहीं करना और बहुओं सास को भी चुगली नहीं करना। ज्यादा समय मिले बस ये माला दिया है ना, ये माला को लेकर घर नाम करो, भगवान की नाम जप करो, जिससे तुम्हारी पाप खत्म होगी, जिससे सारे अपराध दूर जाएगा, हैं सारे अपराध दूर जाएगी। इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है? देखो और एक छोटी स्टोरी सुनो। देखो माता है, ध्यान देकर सुनो। अक्सर करके देखना सास बहू की लड़ाई होती है ना, सास बहू की लड़ाई हो जाती है। महाराज जी पहले से चली आ रही है परंपरा ब्रज में, तो महाराज हाँ ब्रज में भी सास बहू की, हाँ देख इधर सुन लो, ये अक्सर करके हो जाती है। एक बहू ने एक बाबा को पास में गए, बोले बाबा ऐसे ऐसे हमारे अंदर बहुत लड़ाई झगड़ा होता है। तो बाबा ने कहा देखो तेरे को मैं एक दवा देता हूँ, जब तुम्हारी अंदर में सास बहू में लड़ाई होगा ना, मैं तुमको एक पाउडर देता हूँ, उसको मुंह में डाल देना, उसको मुंह में डाल देना और उसी समय तो चुप रह जा और 21 दिन में देखोगे। ए क्या बात कर रहे हो? बोले देना 21 दिन में देखोगे ना सब घर में शांति, घर में पूरा शांति सुख हो जाएगा और घर ना पूरा तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगी।
बोले किस दिन में पूरा घर मेरी बुद्धि में आ जाएगी? बोले हाँ। बोले क्या करना पड़ेगा बोल दो। बोले जब तुम्हारे सास बहू में लड़ाई हो, जो पाउडर दिया उसमें मुंह में डाल देना और मुंह को बंद करके रखना। अभी लड़ाई कब होता है? जब सास कुछ बहू को बोला, बहू कुछ सास को बोला, तभी तो लड़ाई होगा ना। अगर एक व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो लड़ाई झगड़ा होगी, शांत हो जाएगी। इतने में जो सास बहू की लड़ाई हुई ना, वो बहू ने किया क्या, जो पाउडर थी उसको मुंह में डाल दिया और मुंह का एकदम चुप रही। जब चुप रही फिर तो सास बोलते बोलते रही, बहू कुछ बोली नहीं। बस बाद में सास बोलते बोलते चुप हो गई। बोली मेरी बहू इतनी अच्छी कैसे बन गई? वो उत्तर भी दे रही है। फिर दूसरे दिन जब फिर से कुछ बोली, फिर उसने मुंह में पाउडर डाल दी तो मुंह बंद। जब बंद कुछ बोली नहीं, भैया मेरी बहू तो अच्छी हो गई। अब देखना कुछ कुछ बूढ़ी बूढ़ी माताएं जब इकट्ठे बैठती है ना, जब गोष्ठी लगती है, क्या बात करे तू? इसलिए जब देखना सास का जो गोष्ठी बनती है ना, हर सास का तेरी बहू के साथ में क्या हुई, मेरी बहू के साथ में ये बात हुई, मेरी सब सब देना गोष्ठी लगती है सब। लेकिन सबके सब सास को तो बोलती, लेकिन इसका जो सास है ना चुप। बोलो भैया ये चुप कैसे हो गई? ये तो बोलती थी मेरी बहू साथ ऐसे हो गई लड़ाई, ये तो चुप कैसे? 8-10 दिन में क्या हुई, जो बहू कुछ बोलती नहीं, ये सास इतने खुश हो गई। बोले मेरी बहू इतनी अच्छी कैसे बन गई, इतने अच्छी कैसे बहू बन गई, उसने क्या की? बोले वाह, अपनी आप सास बोल पड़ी। बोले देख आज से हम दोनों मिलजुल कर घर चलाएंगे, तू रसोई बना, मैं बच्चों को संभाल देती हूँ, तो चौका बर्तन कर, मैं ये काम कर देती हूँ, हम अभी दोनों मिल करके घर का सारे काम संभालेंगे। पहले सास क्या करती थी, दूध का पैसा सब्जी का पास सब सास के हाथ से जाते थे, सास के हाथ से। लेकिन सास इतने खुश हो गई, मेरी बहू इतनी बढ़िया। बोले सारे रुपया मेरे साथ तू ले, घर का संभाल तू संभाल, हैं संभाल, सारे घर का चाबी काठी तू संभाल। बहू तो इतने खुश हो गई, ध्यान देना सुन, बहू इतने खुश हो गई। बोले बाबा तो बोल रहे थे 21 दिन लगेगा, 10 दिन में सारे काम निपटेगा, 10 दिन में। उसने बोले भैया बाबा ने क्या जादू टोना दिया, क्या इसके अंदर में वो पाउडर लेकर के। बोले बाबा के पास में गए, बाबा मेरे घर तो वैकुंठ हो गया, भगवान का धाम बन गया, ये 10 दिन में सारे झगड़ा खत्म, और बहू मेरे को सारे चाबी काटी रुपया पैसा सब दे दिया। बोले तू घर को संभाल, हाँ घर का तो संभाल। बोले बाबा ये पाउडर बच गया, तू इसको ले ले, ले करके और किसको दोगे तो और किसकी भलाई होगी। बोले बाबा ये बताओ तुमने ऐसे क्या जादू टोना की है, हमारा घर एकदम भगवान का धाम बन गया। बोले कोई जादू टोना नहीं, मैंने ये पाउडर दिया था मुंह को कलो बंद करने के लिए। ये महाभारत क्यों हुआ? बोलो महाभारत क्यों हुआ? द्रौपदी इतनी सी बोली बोल दी, अंधा का बेटा अंधा होता है, इतने कारण से महाभारत पूरा रचना हो गया। ये जो जीवा है ना, जितने गड़बड़ी का कारण जीवा है, ये जीवा ना लपट लपट कुछ बोलते रहेगा। और विशेष करके जानते हो बच्चों का ना, बच्चों का देखना, बच्चे कभी चुप नहीं बैठते हैं, बचपन में उनके प्यार खुजलती है, खुजली मचती है, इसलिए बच्चे बैठते नहीं। और बड़े होने पर जवानी में शरीर में खुजली मचती है, और बुढ़ापा में मुंह में खुजली मचती है, ये मुंह नहीं होती। लेकिन अगर ये मुंह को बंद कर दो ना, सारे झगड़ा तुम्हारी ठीक है ना। इसलिए महाप्रभु क्या बोले, बोले देखो ज्यादा बोलने की इच्छा होगी ना, महाप्रभु ये माला दे दी। बोले लो महाप्रभु ये माला दे दिए। बोले लो ये माला ले लो, माला लेकर क्या करो, ज्यादा बोलने की इच्छा होगा तो इधर उधर नहीं बोले, तो माला देता हूँ इसको लेकर के। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठाकुर का नाम लो, पाप जाएगा, जीवन में शांति सुख मिलेगी, और यही धन अंतिम समय तुम्हारी काम में यही धन आएगी, और कोई धन तुम्हारी काम में आने वाले नहीं है। भगवान के नाम धन केवल काम में आएगा, इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोल को दीम रे सदगुरु कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ पर भागवत कहता है कलयुग में जो बुद्धिमान व्यक्ति होएंगे वो क्या करेंगे, ये संकीर्तन रूपी
यज्ञों के द्वारा भगवान की उपासना करेंगे कलयुग में, और कोई धर्म नहीं कलयुग में, केवल एक नाम रूपी धन है, ठीक है ना। इसे जो माला दिया है ना, क्या करना, महाप्रभु कहते हैं मैंने तुमको ये माला दी, ये माला नहीं दिया भगवान के, तेरे को कृष्ण को दिया है, हैं? कहते ना, नाम हरि से बड़ा हरि का नाम है, मैं तुमको कृष्ण दिया है, रोज ये माला जप करना। और कैसे, बोले यह जप किया सब करिया निर्बंध, निर्बंध मतलब नियम करके, ऐसे नहीं आज इच्छा हो गया तो माला जप कर लिया, कल इच्छा नहीं हुआ तो माला जहां तक लटक रहा है। इसलिए महाप्रभु कहते थे ये माला को कभी भूखे मत रखा करो, कभी इसको भूखे, भूखे मतलब जैसे एक दिन माला जप नहीं किया तो ये कृष्ण है भगवान ना माला, एक दिन अगर माला नहीं जप किया तो आज ठाकुर जी भूखे रह गए, उनने स्नान नहीं किया, उनको कपड़ा नहीं बदलाया, ठाकुर जी सोए नहीं, ठाकुर जी पूरे दिन भर तुम्हारे भूखे रहे, क्योंकि हरि से बड़ा हरि का। इसलिए गुरु जी कहते थे, महाप्रभु कहते नाम कोई भूखे मत रखो, जरूर कुछ ना कुछ माला किया करो, माला कोई भूखे, खुद भूखे रह जाओ। इसलिए जो हरिदास ठाकुर जी थे दिन में 3 लाख हरिनाम करते, 3 लाख हरिनाम करते थे, और जो महाप्रभु उनके लिए रोज प्रसाद लाते थे, 3 लाख पूरी करके नाम तो भोजन करते थे। एक दिन महाप्रभु प्रसाद लाए, बोले हरिदास लो प्रसाद पाओ, बोले प्रभु आज हम भोजन नहीं करेंगे, बोले क्यों, बोले मेरे 3 लाख नाम पूरी नहीं हुआ, 3 लाख मतलब 3 3 64 64 3 इस बार है। तब महाप्रभु ने बोले देखो अभी तो वृद्ध वृद्ध हो गए हो, थोड़ा हरिनाम कम कर, थोड़ा हरिनाम को कम कर, देखो वो कितने अच्छी बात कहते हैं। बोले ठाकुर जी शरीर मोर सुस्त है असुस्त बुद्धिमान, देखो इतना समझ कर जाओ, इसलिए देखो इतनी सी बात लेकर के जाओ। हरिदास ठाकुर जी हमारी शिक्षा के लिए क्या कहते हैं, बोले शरीर मोर सुस्त है, बोले देखो महाप्रभु मेरा शरीर तो चंगा है, शरीर में कोई असुस्थ नहीं, लेकिन असुस्थ बुद्धि मान, ये जो बुद्धि मान है ना ये इतना दुष्ट है, इतना बदमाश, कोई सीरियल आ जाएगा ना देखना तीन तीन घंटा आज फाड़ फाड़ देख ले हैं, इधर उधर की बात हो समय कैसे बीत जाता पता नहीं चलता। बोले हरिनाम कर, बोले समय कहा है, प्रभु का नाम लो, बोले समय कहा है हमारे पास, मतलब ये इतना मन इतना गंदा इतने दुष्ट है। इसलिए गुरु जी कहते थे सवेरे उठो अपना जूती लो, अपना जूती लेकर मन को 100 बार पीटो, बोले मन आज इधर उधर बात नहीं करना, नहीं करके ठाकुर का नाम जप करो, भगवान का कीर्तन करो, ठाकुर का सेवा करो, ठाकुर की कथा सुनो, हैं, जिसमें हमारी आत्मा की शांति मिले, आत्मा को शांति मिले, ठीक है ना। 3 चीज को ठीक करके रखो, पहला चीज ये ठाकुर जी के नाम जप करना, दूसरी चीज गला में जो तुलसी कंठी लिए हो कभी गले से तुलसी कंठी नहीं उतारना। गुरु जी कहते थे ये तुलसी नहीं है साक्षात लक्ष्मी भगवान कृष्ण है, अगर किसी कारण से तुलसी माला टूट गया, गुरु जी कहते थे जब तक उसको 2 बार नहीं पहन लेते हो तब तक पानी तक भी मत पिया दो, क्योंकि हम जो भोजन करते हैं ना इसका नाम कंठी, कंठ में रहता है, जैसे भोजन करते हैं ये तुलसी को स्पर्श करते हुए अंदर में हर चीज जाती है पवित्र बन करके, जैसे कोई बोली बोलते हैं ये पवित्र बन करके निकलती है, इसलिए ये तुलसी लक्ष्मी साक्षात भगवान का निवास, कृष्ण का निवास है, तुलसी कभी गले से नहीं उतरनी चाहिए। जैसे आप लोग देखा करुणा, करुणा का नाम सुने, अरे करुणा कहे 2 बार आ रहा है, कितने लोग शरीर छोड़ दिया पता नहीं कहाँ कैसे शरीर छूट जाएगी, लेकिन अगर तुम्हारी गले में तुलसी कड्डी रहेगी ना कभी नरक नहीं जाओगे, सीधा वैकुंठ जाओगे, सीधा भगवान के धाम में जाओगे, इसलिए गले से कभी कंठी नहीं उतारनी चाहिए। अगर कहीं कंठी टूट गई उसको 2 बार धागा में पोलो, 2 बार धागा में पो करके जब तक नहीं पहनते हो ना तब तक पानी नहीं पीनी चाहिए, गुरु जी कहते थे। और जो तिलक लगाए हो, तिलक तो हर समय तिलक ललाट में रहनी चाहिए, हैं? जैसे आप लोग सधवा स्त्री कोई जैसे मांग करती हो, सिंदूर लगाती हो, नाक में बेसर पहनती हो, मंगल सूत्र पहनते हो, हैं? इस जगत का पति के लिए तो ये इसको पहनते हो, लेकिन ये हमारी जो परम पति है, जो पति का भी जो पति जो परमात्मा के लिए, उसके लिए क्या धारण करते हो, इनके लिए गले में कंठी, ये तिलक, ये सुहाग की असली सुहाग का चिन्ह है, जो ये तिलक पहन लिया ना कृष्ण के पास में, गले में कंठी, अगर कृष्ण के पास में जाओ तुमको बोलने का जरूरत नहीं, मैं तेरा तू मेरा,
ठाकुर के पास में जाओ, ठाकुर समझ जाती हैं ये मेरी गोपी है। जैसे पति है, जब पति को सामने जब पत्नी मांग भर करके सिंदूर लगा करके मंगल सूत्र पहन करके चूड़ी पहन कर जाए, पति मान लेती है मेरी पत्नी है, लेकिन पति तुम्हारी जिंदा है, लेकिन सारे जो सुहाग का चिन्ह पूरा उतार दो, विधवा का रूप धारण करते हुए पति के पास में जाओ, पति तुम्हें मानेगा, पति तुम्हें स्वीकार करेगा? बोले मैं जिंदा रहते रहते क्या तेरे को मारते, मेरे को मारने ली तुमने, अभी मैं जिंदा हूँ। तो उसी तरह जब जगत का पति तुम्हें स्वीकार नहीं करता, ये परम पति तुमको कैसे स्वीकार करेगा? अगर गले में कंठी माला तिलक होना क्या करेगा? ठाकुर समझ जाएंगे मेरी गोपी ये मेरी है, उनको बोलने का जरूरत है, ठाकुर तुम्हें मान लेंगे, ये है मेरी मेरी ये गोपी है। क्यों? मेरे लिए तिलक और कंठी। और दूसरी चीज देखना, जैसे जैसे सधवा स्त्री है, अपने खूब मांग मोटी सिंदूर मंगल सूत्र पहन कर कहीं रास्ता में जा गई, रास्ता में जा रही हो, देखना कोई कामी व्यक्ति, जब तुमको कोई कामी व्यक्ति तुम्हारे पर नजर डालेगा ना, तुम्हारी मांग सिंदूर मंगल सूत्र देख करके अपने आप समझ जाता है ये किसकी परिणता है, ये किसकी पत्नी है, तुम्हारी तरफ पे देखेगा ना, देख करके झट मुंह को घुमा लेगा, क्यों? ऑलरेडी इसकी परिणता किसकी शादी की हुई, लेकिन वो चीज नहीं रहता है ना, फिर तो पुरुषों का स्त्रियों के ऊपर गंदी चीज गंदी रूप में दर्शन करते। उसी तरह अगर गले में कंठी अगर तुम्हारी तिलक है ना, ये माया तुम्हारे ऊपर में देखेगा नहीं, माया अगर देखेगा तो मुंह अपने आप फेर लेगा, बोले क्यों? बोले ये परिणता किसको साथ में गले में कंठी तिलक हो तो, बोले ठाकुर को परिणता है, ये भगवान की परिणता है, ठाकुर को साथ में इसने शादी की, माया तुम्हारे ऊपर नजर नहीं डालेगी, ठीक है ना? तिलक जरूर लगाया करो, ये गोपियों की चरण धूली है, ये द्वारका से आता है, भगवान को स्नान कराया गया था, ये तिलक को साधारण वस्तु मत मानो। इसलिए कृष्ण को देखो, भगवान कृष्ण तिलक लगाए, राम तिलक, हनुमान का तिलक राम, देखोगे भगवान नारायण तिलक, ठाकुर को देखो, बगैर ठाकुर भी बगैर तिलक के नहीं रहते। तुम लोग तो हिंदू है, देखना जैसे कोई अच्छे कोई बिजनेस के लिए जा रहे, कोई बढ़िया, हम तिलक लगा कर देते, बेटा जा विजय प्राप्त करो, जैसे घर में ब्राह्मण पूजा करने के लिए आएगा, जब तक तुम्हारे तिलक नहीं लगाएगा पूजा नहीं करेगा। और जो तिलक है, ये जो तिलक, इसका नाम ललाट किसवाय नाम, उधर नारायण बख्य माधव कटे, मैंने तुमको पेपर दिया है ना, अगर ये तिलक इतने महिमा, अगर ये ललाट में इधर तिलक है नारायण, ललाट में केशव है ना, उधर नारायण, मतलब पूरा शरीर में ठाकुर का निवास है। अगर ये तिलक केवल सवेर कर लिया ना, तुम्हारे ऊपर कोई भूत प्रेत पिशाच डाकी निसाकी कोई तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा। तिलक की इतने महत्व, अगर तिलक लगकर बाहर गई ना, तुम्हारा एक्सीडेंट भी नहीं होगा। जैसे कर्ण का शरीर में कवच रहता था ना, जब तक कवच रहेगा उसको दुनिया में कोई नहीं मार सकते। ये तिलक नहीं, माँ जसोदा कृष्ण को रोज ये तिलक लगाया करती थी, मेरे लाला को ललाट को ललाट केशव देव रखा करे, उधर को नारायण बख्य माधव, माँ जसोदा कृष्ण को लगाया करती थी। ठाकुर जी बांके बिहारी को कद भगवान का नाम भी भगवान को रखा करता है, इसलिए कहते ना, राम ना सकई नाम गुण गाई, भगवान भी अपना नाम की महिमा को ठाकुर भी नहीं बता सकते हैं, इतने महिमा, ठीक है ना? ये तीन चीज को ठीक रखना, गला में कंठी तिलक और भगवान की माला, बस ये तीन चीज अगर ठीक है ना, तुमको भगवान के धाम को में जाने के लिए तुम्हें कोई नहीं रोक सकते, ठाकुर के धाम में जाने के लिए तुम्हें कोई नहीं रोक सकते, सीधा भगवान के पास में जाओगे, ठाकुर के पास में, और ठाकुर जी घर में जो ठाकुर जी है इनको अच्छे तरह से पूजाना, इनको ठीक से खिलाओ, उनको ठीक से श्रृंगार करो। देखो ठाकुर को जितने खुश रखोगे ना, कहते ना ठाकुर जितना तुम्हारे घर में बढ़िया कपड़ा पहनाते हो, ठाकुर का श्रृंगार करते हो, ठाकुर खुश रहेगा तो परिवार तुम्हारी खुश रहेगी। उदाहरण देते हैं, अपना शरीर को अच्छे तरह सजा लो, सजाते हैं सज्जे को, अब सजा करके शीशा को सामने खड़े हो जाओ, देखना ये शरीर को जैसे सजाओगे ना, तुम्हारी परछाई भी वैसे सज जाएगी। ठाकुर को जितने अच्छे तरह से खिलाओगे पिलाओगे श्रृंगार करोगे, ठाकुर खुश रहेगा तो तुम भी संसार में तुम भी खुश रहोगे, ठीक है? बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की जय, जय श्री राम। हमारे डोरलाल को एक होली गा लेंगे, अब तुम खड़े होकर एक बार नाच लेना होली, आज विरज में होली रे रसिया, प्रभु जी होली होली तरह गा लो, तो ये माइक इसी के माइक ले लो।
हरे कृष्णा लो लो इसको ले लो। बोलो होली के रसिया की जय। हरि गोर हरि प्रेजित Yeah.